तो आज हम बनाएंगे छोला मसाला। छोला मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप छोले भिगो कर रखे थे 7-8 घंटे, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप टमाटर, इसमें 1/2 इंच अदरक मैंने साथ में पीस लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च को ऐसे लंबा कट कर लेना है, और थोड़ा सा मैंने लहसुन को लंबा कट कर लिया है, 2 प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है, 2 आलू लिया है, आलू ऑप्शनल है। सूखे मसालों में हमें चाहिए होगा जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये मैंने छोला मसाला मैंने मार्केट का यूज़ किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे, इस कुकर में हम ये सारे छोले ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती को एक पोटली बना लिए बांधकर एक कपड़े में, इसे भी हम डालेंगे, और ये आलू इसमें डालेंगे हम, और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। और हम कुकर को ढक्कन लगा देंगे, इसे 6 से 7 विसल आने तक हम इसे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे हम कुकर को रखेंगे और 6 से 7 विसल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो 7 से 8 सीटी मैंने लगा लिया है, हमने कुकर का ढक्कन खोल दिया है, इसे ठंडा होने के बाद खोलिए तो चेक करते हैं। तो देखो ये पक चुका है, इसके अंदर जो हमने ये चाय पत्ती का पोटली डाला था ये हमें निकाल देना है, और इन सारी चीज़ों को हमें एक इसमें से एक ये आलू हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे, और अब हम कढ़ाई रखकर इसका मसाला रेडी करते हैं। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, गैस को ऑन किया है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। छोला मसाला बनाने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, तो हमारा तेल यहाँ पर गरम हो गया है। मैंने खड़े मसाले इसमें यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक तेज़पत्ता यूज़ किया है जो हम डालेंगे। खड़े मसाले इसके लिए मैंने यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि हम एवरेज छोला मसाला यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी वो खड़े मसालों का फ्लेवर होता है, इसके लिए मैंने खड़े मसाले यूज़ नहीं किए हैं। तो इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, तो जीरा हमारा अच्छे से जब चटकने लगेगा उसमें हम ये जो हमने बारीक चॉप किया है लहसुन और हरी मिर्च जो हमने लंबा चीर मारा था वो लेंगे। जब आप मिर्ची और लहसुन डालते हो तेल में तो थोड़ा दूर खड़े रह के डालिए, क्योंकि मिर्ची डालने से कैसा वो आपके ऊपर उड़ सकता है तेल, इसके लिए आप थोड़ा दूर खड़े रह के डालिए। तो जब लहसुन थोड़ा हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखा था। इस प्याज को आपको जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक आपको पका लेना है। मीडियम फ्लेम पे रख के पकाइए इसे। जब आपका प्याज लाइट पिंक कलर का हो जाए तो आप गैस को हाई फ्लेम पे करके इसे पकाइए। तो यहाँ पर प्याज हमारा लाइट गोल्ड ब्राउन हो चुका है, गैस को हम मीडियम करेंगे, इसमें हम सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी,
डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। नमक मैंने छोला बॉईल करते टाइम नहीं डाला है, तो वो हिसाब से मैं नमक लूँगी। आप चाहे तो छोला जब आप बॉईल करते हो, सीटी लगाते हो, तभी आप नमक डाल सकते हो। अब सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला जब आप डालते हो तो गैस को लो फ्लेम पे कीजिए, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। आधे मिनट के लिए हमको ऐसे ही पकाना है इसे लो फ्लेम पे। तो हमारा आधा मिनट हो गया है, अब इसमें हम ये टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ये छोला मसाला ऐड करेंगे, लगभग एक चम्मच। इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर हम जब तक हमारा टमाटर अच्छे से पकता नहीं है, टमाटर तेल नहीं छूटता, तब तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पकने में 1 से 2 मिनट लगेगा, तो इसे हम ढककर पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो अब 1 से 2 मिनट हो चुका है, हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। इसमें हम ये हमारे छोले ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। पानी आपको निकाल लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 1 मिनट हमने इसे ढककर पकाया था, तो 1 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा एक मैशर लेंगे और इसे थोड़ा हम मैश करेंगे। थोड़े छोले को हम मैश कर लेंगे, इससे आपकी ग्रेवी एकदम थिक बैठेगी और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जो हमने छोला बॉईल किया था वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे। गैस को हाई फ्लेम पे रखना है अभी इस समय। इसमें हम एक्स्ट्रा पानी कोई भी ऐड नहीं करेंगे। और इसमें जो हमारे आलू थे, मैंने जो उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो हम इसमें डालेंगे।
छोले के साथ आलू बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, एक बार आप ट्राई करके देखना ज़रूर। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब इसके ऊपर से हम गरम मसाला डालेंगे, आधा छोटा चम्मच, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। देखिए हमारा ग्रेवी अच्छे से पक चुका है और सब्जी भी देखिए थिक हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम लास्ट में हरा धनिया डालेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा छोला मसाला रेडी है। आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।